आपको एक बात खास तौर पे बताई जा रही है कि आपका ध्यान जो है वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर होना चाहिए। हाँ, आपकी मिनिस्ट्री प्रोफेटिक हो सकती है, आपकी मिनिस्ट्री हीलिंग हो सकती है, लेकिन कोई भी मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है, सेवकाई ऐसी नहीं है जो वचन के साथ ना खड़ी हो सके, जो वचन के बिना खड़ी हो सके, ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं। आपकी मिनिस्ट्री कॉलिंग, आपकी गीत गाना हो सकती है, आपकी मिनिस्ट्री बोना हो सकती है, लेकिन हर एक मिनिस्ट्री का जो बेस है वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। नहीं तो जब परमेश्वर का बेस वचन हमारे पास नहीं है तो कंप्लेंट्स आती हैं पास्टर्स की कि हमारी चर्च में लोग आते हैं और चले जाते हैं, हीलिंग लेते हैं और चले जाते हैं। अगर आपकी चर्च में हीलिंग के अलावा और कुछ नहीं है तो लोग हीलिंग लेके जाएंगे फिर। अगर प्रोफेसी के अलावा और कुछ नहीं तो प्रोफेसी लेके वो चले जाएंगे। बाइबल कहती है एक्स प्रेरितों के काम में, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन बलपूर्वक बढ़ता गया और फैलता गया। कलीसिया कभी नहीं बढ़ती, वचन बढ़ता है कलीसिया में। और जब वचन बढ़ता है और बलपूर्वक फैलता है, कलीसिया अपने आप फैलती है। और जो वर्ड आपको दिया गया, मैंने इस थर्सडे बताया था नीति वचन के बारे में, प्रोवर्ब्स के बारे में, कि नीति वचन में लिखा कि सुलेमान ने कहा इनको पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करेगा, काम करने की प्रवीणता प्राप्त करेगा, विवेक प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। अगर आप वीरवार नहीं आए थे तो आप इंटरनेट से उसे सुन सकते हैं। मतलब एक नीति वचन पढ़ने वाला इतनी बुद्धि रख सकता है कि अपने घर को बना सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने हाथों से उसे ढा देती है। इसका मतलब अगर वचन आपके अंदर है, अगर नीति वचन आप पढ़ते हो, बाइबल के वर्सेस आप पढ़ते हो, तो आप बुद्धिमान होंगे, काम करने में प्रवीण होंगे। सुनो क्या होता है प्रवीण, किसे बोलते हैं? याकूब के कितने 12 बच्चे थे? 10 बच्चे बड़े थे और यूसुफ था। यूसुफ वो रिजल्ट देता था जो 10 दूसरे नहीं देते थे और बाप उनसे नाराज रहता था। क्यों? क्योंकि बाप को मालूम था कि मैं भी चरवाहा रहा हूं, अगर मैंने तुझे 200 भेड़े दी हैं तो मुझे मालूम है कि 6 महीने में ये 200 कितनी होंगी, कि एक ये 245 होंगी, 246, 48 होंगी, 242 होंगी, बस इससे ऊपर नीचे अगर है तो कुछ गड़बड़ है। और यूसुफ की भेड़े ज्यादा होती थी, मल्टीप्लाई होती थी, बढ़ती थी, बाकियों की बढ़ती नहीं थी, इसीलिए वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था। बाइबल कहती जब तेरे अंदर बुद्धि होगी और तेरा डर, प्रभु का डर तेरे अंदर होगा, जो नीति वचन पढ़ने से तुम्हें मिलता है, वचन पढ़ने से तुम्हें मिलता है, तो परमेश्वर कहता है काम करने में मैं तुझे प्रवीण करूंगा, दूसरों से ज्यादा तेरा काम फल लेके आएगा। तेरे शहर में, तेरी मार्केट में 10 तरह की दुकानें हो जो तूने खोली है, पर तेरे पास सबसे अधिक कस्टमर होंगे, तेरे पास सबसे अधिक पैसा होगा, तेरे पास सबसे अधिक ग्राहक होंगे, तो सबसे अधिक काम कर पाएगा। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, आमीन। पर कहता अगर तेरे अंदर वचन है तो, आमीन, कहता है इनके द्वारा पढ़ने वाला ज्ञान पाए। कौन सा ज्ञान? मैंने बताया था वो ज्ञान नहीं जो आप कॉलेज में, स्कूलों में जाते हैं, ABCD वाला ज्ञान नहीं, ये वो ज्ञान है जो आत्मा आपको देता है। अपने हाथों को उठाओ वचन सुनने से पहले और बोलो, परमेश्वर जितना वचन, जितनी गवाहियां आज मैं सुनूं, ये फल लेके आए। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ उठाओ अपने हाथों को। आमीन। तारीफ करो जोर से।